अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ, अब्दुल हादी भी ठीक है, हिबा भी ठीक है। और हाउ आर यू अब्दुल हादी? थैंक यू। ये मैं इंजॉय कर रही हूँ, ये मीठा, ये मैंने सवैयों का मीठा बनाया, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बना है, तो ये भी मैं साथ साथ खा रही हूँ। और अब्दुल हादी यहाँ बैठे हुए हैं, खामोशी से और सुकून से बैठे हुए हैं। और अभी जैसे कि मैंने बताया है आपको कि अब ये कहना कहते हैं सुबह के कुछ समझो 8-9 बज रहे हैं और अब्दुल हादी उठे हुए हैं और हिबा यहाँ खेल रही है। हाँ, हिबा का फेवरेट काम बस ये उठते के साथ ही इनको टीवी चाहिए होती है, तो टीवी लाजमी देखती हैं हिबा। और अब्दुल हादी, कैसी सर्दी हो रही है बेटा? हैं, कराची में तो बहुत ठंड हो रही है भाई, वेदर बहुत ज़्यादा समझो यहाँ पर ठंडा हो गया है, मौसम ठंडा हो गया है ना। अब आपकी जब वेकेशंस ख़त्म होंगी तो और ज़्यादा ठंड बढ़ेगी, ठीक है? और ठंड बढ़ती छुट्टी होगी जी हाँ, मंडे से स्कूल जाना ओपन हो रहा है ना, सही, मंडे से स्कूल ओपन है। ओके, और जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखेंगे मेरे भाई ने एक दफ़ा फिर से मुझे ला के कंगन दिया है और माशाल्लाह से उनके रिक्स में और उनके खाने पीने में हर चीज़ में अल्लाह बरकत दे, क्योंकि भाई का काम है बहनों का ख्याल रखना। और मेरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से हर कुछ दिन बाद ये कि मुझे कंगन लाजमी मिलता है और फिर मैं बड़े शौक़ से पहन भी लेती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई देता है दिल से देता है, तो ये इसलिए भी कि मोहब्बत होती है। बस चीज़ क्या है, एक दो दिन तक के रहती है पर यह कि मोहब्बत देखी जाती है। और बहुत ज़बरदस्त मुझे कंगन लग रहा है, लेकिन कली जो है ना रेड कलर के, वाह खुशबू बहुत औसम आ रही है इसकी। तो थैंक यू सो मच भाई, आपने मुझे याद रखा और हमेशा याद रखते हैं, और थैंक यू सो मच उस्मान। और ये मैंने पहन लिया है, ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, वाह लुकिंग नाइस, सो गॉर्जियस। तो यहाँ फ्रेंड्स देखें, मैं तैयारी कर रही हूँ स्पैगेटी की, मैक्रोनी सॉरी, क्योंकि मैं स्पैगेटी ज़्यादा बनाती हूँ ना, तो वही मुझे याद है, तो ये मैं दूसरे प्रोसेस से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ मैंने ये सब चीज़ डाल करके अभी थोड़ा सा इसका पानी सुखाना है, ये स्पैगेटी की तैयारी हो रही है। यहाँ मैंने शिमला मिर्च और मैक्रोनी बॉयल करके रख लिए, एक तरफ हो रही है गुड़ के लड्डू जो मैंने आपको पहले भी बताए थे, पॉपकॉर्न के लड्डू बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने ये गुड़ यहाँ पर मेल्ट होने रख दिए। और ये हैं हमारे पॉपकॉर्न जो मैंने बना के रखे हैं, अब से बॉल्स बनानी है। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पर गुड़ में डाल दिया है, और इस दफ़ा हमारा ये कोई कलर आया है, डार्क कलर आया है, ये मैं अच्छे से चला रही हूँ ताकि पूरे गुड़ में अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाए। और मेरे पास इतने पॉपकॉर्न बच गए, थोड़े से मैं चार ही और ऐड कर दूँ, थोड़े थोड़े करके ऐड करें, ज़्यादा ना हो, थोड़ा बच भी जाए तो कोई मसला नहीं है, बैक पे आपके गुड़ दोबारा उसको आप बना लें, या चाय के साथ भी आप नेक्स्ट डे इसको फिर खा सकते हैं जो गुड़ बच गया है, ठीक है? तो ये रेडी है फ्रेंड्स, ये हमारा रेडी हो चुका है, ये दोनों मैंने प्लेट में फुल कर लिया, ये देखें। क्या बोल रही हूँ, अल्लाह हाफिज़ बोल दिया हिबा, अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय बाय करती हैं, बाय बाय हिबा, बिजी है, बाय बाय नहीं करी ना, फ्लाइंग किस दे, सबका मैं चला, अल्लाह हाफिज़ बोल दी सही से, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ 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 सपोर्ट मी।